विजेंदर सिंह हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है यार? राजा राम जी बोले हैं, राजा राम श्री रामचंद्र जी अपने परिवार, अपने भाई बंधु, अपने लोगों को शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए 14 वर्ष वनवास काटे, और इन लोग दूसरे के सुख शांति को छीनने के लिए हर दिन घर तोड़ो फोड़ो, मंदिर मस्जिद मार पीट लड़ाई। दोस्तों, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे थे जिसके अंदर आपको विरोधी लोग छत्तीसगढ़ के दिख रहे थे बजिंदर सिंह की मीटिंग का विरोध करते हुए। अब दोस्तों उन लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने निकल करके आ रही है जिन लोगों ने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था। आज मैं आपको दोस्तों उनके बयान सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आखिर उन लोगों ने क्या बयानबाजी की है, कैसे ज्योति शर्मा के साथ साथ बजरंग दल के सारे लोगों को उन्हीं के धर्म से अच्छे से सिखाया है। मैं आपको दोस्तों आज का ये वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे जिन लोगों ने बजिंदर सिंह की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था वो लोग मीडिया के सामने बयान देते हैं बेरोजगार दल का, और उनके लिए ये क्या क्या बातें बोलते हैं वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। बजरंग दल का ये कहना है कि जब हम सभाएं करते हैं या पंडित प्रदीप मिश्रा कहें या कोई भी अगर यहाँ पर आता है धार्मिक गुरु तो हम खुलेआम करते हैं, आप लोग खुलेआम क्यों नहीं करते, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो हमारा अभी सभा होने जा रहा है, ये हमारा जो सभा होने जा रहा है वो सेक्टर 7 के दशहरा मैदान खुलेआम होने जा रहा है, और खुले आम नहीं होता मैडम। तो अभी तक YouTube के द्वारा एक एक बच्चा को जानकारी हो गया कि बजिंदर भैया इधर आने वाले हैं, सबको पता है। यदि हम छुप के करते हैं तो YouTube में कैसे वो बोल देते कि नहीं हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कैसे बजरंग दल, अगर हम छुप कर करते तो बजरंग दल वालों को कैसे पता चलता कि हमारी ये आराधना यहाँ होने वाली है, हमारा ये कुछ सभा होने वाला है। हम इस चीज़ को छुप के नहीं कर रहे, खुले आम कर रहे, खुले आम कर रहे हैं, इसलिए न्यायालय के सामने आके बोल रहे हैं कि हम इस सभा को खुले आम और शांति और प्रेम पूर्वक चाहते हैं। ये वो बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है यार? राजा राम जी बोले हैं, राजा राम श्री राम चंद्र जी अपने परिवार, अपने भाई बंधु, अपने लोगों को शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए 14 वर्ष वनवास काटे, और इन लोग दूसरे के सुख शांति को छीनने के लिए हर दिन घर तोड़ो फोड़ो, मंदिर मस्जिद मार पीट लड़ाई। हर समस्या का समाधान मार पीट लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका धर्म कहीं कमजोर है, कहीं वो उसको दबाया जा रहा है, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 नवंबर आने वाली, जो अभी 6 नवंबर है, इस दिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चंगाई सभा को लेने के लिए। आप सबके लिए वहाँ पर प्रार्थना की जाएगी, कैसी भी बीमारी हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आप आएँ और जरूर अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनाया जाएगा, चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि लाइलाज हो चुकी हो, तो आप जरूर यहां पर आकर के अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर भी आपको एड्रेस दिख रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, आपको साफ साफ ये वीडियो देख कर पता लग चुका होगा कि जो मसीह लोग हैं इस बार दबने वाले तो नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये वीडियो बनाया गया है ये कलेक्टर ऑफिस के बाहर का है, जहां पर बजरंग दल जाकर के इस बात को बोल करके आया था कि ये मीटिंग हम होने नहीं देंगे, और अगर होगा तो सिर्फ जो कलेक्टर के पास आकर के जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है प्रॉपर अच्छे से कागजी तरीकों से, सिर्फ वही इस मीटिंग में जा सकते हैं। हिंदू लोग जाएंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हिंदुओं को भी अच्छे से तोड़ेंगे और इन लोगों को भी तोड़ेंगे जो ये मीटिंग करवा रहे हैं, जो करने आ रहा है बजिंदर सिंह उसको भी नहीं छोड़ेंगे, सबको दोस्तों इन्होंने रगड़ा था। आपने देखा था इस वीडियो के अंदर जो बजरंग दल के लोग जब ये यहाँ पर गए थे कलेक्टर ऑफिस के बाहर, वहीं पर दोस्तों आज ये जिन लोगों ने मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था ये लोग गए थे। इनके बयान को भी आपने सुना, कैसे इनके भगवान राम को लेकर के ही इनको अच्छे से इस मसीह बहन ने सुनाया है, आपने सुना इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता आया हूं कि ये असली हिंदू है ही नहीं, ये झूठे और बहरूपिये हैं, इनमें से सारे गालीबाज हैं, महिलाओं की रिस्पेक्ट ना करने वाले हैं, जिस मुंह से राम के नारे लगाते हैं उसी मुंह से माँ बहन की गंदी गालियां देते हैं, तो ये कोई असली हिंदू की पहचान थोड़ी हुई, ये तो बहरूपिये हैं। बहुत दिनों से इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, अब इनको एक मुद्दा मिल गया कि बजिंदर सिंह की मीटिंग हम यहाँ होने नहीं देंगे।
तो आप पूरा जोर लगा करके दोस्तों मीटिंग को रुकवाने के लिए इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए कलेक्टर ऑफिस में जा करके अपना समय बर्बाद करते हैं ये लोग। और फिर सबसे बड़ी बात, आपने इस वीडियो के अंदर इस महिला से भी सुना कि इनका ऐसा कहना है कि ये लोग खुलेआम नहीं करते हैं, ये लोग छुप कर करते हैं। आखिर जो ये मीटिंग होने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्रूसेड है और क्रूसेड हमेशा बड़ी और खाली मैदान में लोग करते हैं। इसमें खासे लोग भी आते हैं, कई हज़ारों तक संख्या चली जाती है। तो आखिर इतने हज़ारों की संख्या और इतने बड़े ग्राउंड में क्या ये छुप कर के मीटिंग हो सकती है? इन बेवकूफ़ों को कौन ये बात समझाएगा? अपने साथ किराए पर लोगों को ला करके ये लोग बड़ी शेखी मारते हैं, लेकिन इनको एक बात नहीं पता है, अगर वो मीटिंग हो गई और उस मीटिंग की गैदरिंग के अंदर अगर ये लोग वहाँ पर घुस गए तो उनमें से एक भी वापस नहीं जाएगा। मैं किसी को दोस्तों ये काम करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि हमने बहुत बार देखा है। जब भीड़ के अंदर ये लोग घुसे हैं तो इनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है। इसीलिए ये लोग दोस्तों भीड़ के अंदर नहीं बल्कि घरों में घुसना पसंद करते हैं। जहाँ पर छोटी मोटी प्रार्थना चल रही हो वहीं पर घुसने की इनकी औकात है। अगर दोस्तों ये मीटिंग कैंसिल नहीं होती है और अगर इसकी मीटिंग की परमिशन मिल जाती है तो मैं आपको बता दूं, इनमें से एक भी वहाँ पर दिखेगा नहीं। इनका जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है सारा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि मसीह लोग कभी भी किसी के ऊपर ऐसे हमला नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ गाली गलौज मारपीट नहीं करते हैं, और आज तक ये लोग ये बात प्रमाणित कर भी नहीं पाए हैं। बल्कि इन लोगों की वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ कैसे ये लोग गाली देते हैं, बेकसूरों को मारते हैं, उनको जेल में डलवा देते हैं, तरह तरह के ड्रामे करते हैं, बंदूकें लेकर के तलवारें लेकर के रोड पर शक्ति प्रदर्शन करते फिरते हैं। लेकिन अगर ये मीटिंग हुई और इन लोगों ने वहाँ पर जाकर के कोई बदतमीजी की तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो भीड़ होगी वो फिर इनको छोड़ेगी। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।